भाई भाई, ये तो इसमें तो काफी सेलिंग हो रही है। ये मतलब एक तो ये फॉल था पहला वाला, सो हियर इज अ हाई, लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला लो था लास्ट, उसके बहुत नीचे लो। अब ये हायर लो बनाया है इसने, पर वही सेम कि मतलब BTC एकदम सपोर्ट पे, मतलब सपोर्ट से थोड़ा सा एकदम बाउंस ही आया कल और आज। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मतलब बाउंस आया है ये कब तक सस्टेन करता है, क्या होता है, मतलब वो पूरा पूरा जो गेम है उसका, वो हमको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन के हिसाब से बहुत मतलब ऑल्ट्स पे असर होने वाला आने वाले 1-1.5 हफ्ते। ये मेरा पर्सनली मानना, मैं हर बार नहीं करता है, मैं हर बार ऑल्ट्स को ना इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे अपने अपने चार्ट के हिसाब से। गजेश कह रहे वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है गाइस, बाकी भी कोई बता नहीं दो। हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा, तो ठीक है, मोमेंटरीली 2-3 सेकंड 3 सेकंड हुआ था। ठीक है, चलो बढ़िया है फिर तो। मैं यूजुअली ऐसा नहीं बोलता ये बात कि भाई BTC का चार्ट भी देखो ऑल्ट्स ट्रेड। मैं यूजुअली कहता हूँ कि भाई अपना खुद का चार्ट जो रहता है ना, चाहे SXP का हो Ethereum का हो, वो सफिशियंट है उस पर ट्रेड लेने के लिए। ऑलरेडी जो भी फैक्टर्स अफेक्ट होने हैं उसमें हो जाता है, पर अभी आने वाले 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर मत करो तो भी चलेगा। आने वाले हफ्ते के लिए जो ऑल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा BTC के सपोर्ट होल्ड करने नहीं करने से डिपेंड करेंगे, और इन दैट केस मतलब BTC का भी चार्ट ट्रैक करो। सो दिस इज एन अनयूजुअल थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि मैं यू नो इम्पोर्टेंट है ये अभी बिटकॉइन का ना सपोर्ट होल्ड करना फॉर अदर ऑल्ट्स। सो ठीक है, तो सो व्हाट वाज आई सेइंग, ये कि ये जो है ये हाई लोअर हाई लो लोअर लो, सो अगेन जब तक ये मतलब ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट $3 वाला जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर लेता तब तक लॉन्ग अवॉइड करो। शॉर्ट इज फॉर यू टू डिसाइड। अब एक हायर लो मिला है, लेकिन एज आई सेड अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन, ठीक है। सपोर्ट है 1.84 पे और रेजिस्टेंस है 2.28 पे। एक सेकेंड, 1 पॉइंट 8.4 पे और 2.28 पे रेजिस्टेंस। राइट, नेक्स्ट इज XLM देख लेते हैं। सिमिलर ओ नो, इसका सिमिलर नहीं, इसका बिल्कुल भी सिमिलर नहीं। 1 मिनट। सो ये ना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये जोरदार सेलिंग है पूरे ही मार्केट में जो क्रैश आया उसके लिए, एंड यहाँ पे क्लियरली बहुत ही एक स्ट्रक्चर बन गया। देखो तो ये ना, ये देखो कि यहाँ पे हाई लोअर हाई, यहाँ पे लो लोअर लो, और अभी जो ये लो बना है यही सेम चीज बता रहा था मैं एटम की भी टाइम, कि हमें अभी दिखा जैसे हमने नियो में भी देखा, हमने इसके बाद जो भी कॉइन देखा था उसमें भी देखा, कार्डेनो में भी, इथेरियम में भी, BNB में देखा कि हायर लो बनाया था, राइट। पर एटम में, स्टेलर में, मतलब एक्सेलन में हमने देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट पे आ गया वापस, जब यहाँ से ऐसे जाके और मतलब यहीं पे रुक के और यहाँ से नहीं आया जैसे जैसे ना बाकी ऑल्ट्स में हुआ है, ये पूरा पूरा रिट्रेस कर गया, विच इज अ बेरिश थिंग, विच इज सेइंग कि भाई वो जो हायर लो बाकी लोग होल्ड कर पा रहे हैं या अभी तक एटलीस्ट किया था वो ये नहीं कर पा रहा, इसने फ्लैट कर दिया, मतलब उसी सपोर्ट पे आके वापस से लो बना दिया, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फैक्टर कि भाई शॉर्ट करते हैं टाइम कौन से कॉइन्स हमें शॉर्ट करने हैं, वो यहाँ पे आपको ये चेकलिस्ट बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। बट इसको लॉन्ग बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि एक लोअर है, लोअर लो मिल चुका है डेली चार्ट पे भी, अगर एक एक और मिलेगा कंफर्मेशन होगा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा फिर, और फिर हम शॉर्ट ही देखेंगे। लॉन्ग तो अभी अवॉइड करना चाहिए इन ओपिनियन। द सपोर्ट इज एट 0.35 एंड द रेजिस्टेंस इज एट 0.437, वेट, आई क्या मिस्ड जीरो इट। पॉइंट फोर थ्री बिल्कुल 0.35, 0.43, 0.35, 0.43 है। वो कह रहे हैं एक कोई है मिट्स, वो कह रहे हैं कांट दिस भी डबल बॉटम, हाँ हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ना डबल बॉटम के लिए कुछ चीजें होती हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि दोनों लो जो है वो विद इन 1-1.5% में होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो ये लो बनाया है विक बहुत नीचे है, और ये जो है ये तो आप देख ही रहे हो, तो वो सब मतलब उसके जो क्राइटेरिया होते हैं डबल बॉटम के वो यहाँ
नहीं फुलफिल कर रहा हो, इसीलिए डबल बॉटम होने के चांसेस कम है। फिर भी हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो फिर मानना ही पड़ेगा हमको कि डबल बॉटम है, लेकिन उसके जो कुछ छोटी चीजें होती है सब कंडीशंस वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो दैट इज व्हाई इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ डबल बॉटम। ठीक है, एक्सआरपी हम देखते हैं। ये तो यार वही आ गया ना, मार्केट फॉल होने के बहुत पहले से बहस था, ये हाई ये लोअर हाई ये लोअर ये लोअर लो ऑलरेडी, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तो मतलब महीने भर पहले से बहस था मार्केट गिरने को। सो ये हाई एंड लोअर हाई ये लो एंड ये लोअर लो और फिर इसके बाद ये एक और लोअर है, मतलब इसके भी नीचे एक और लोअर है बनाया इसने। ठीक है, और अब देखते हैं कहाँ जाता है, मतलब क्या होता है इसका बाउंस कितना आता है, आ तो रहा है, लेट्स सी कहाँ जाता है। जो लो है इसमें भी वही सेम, सो सिमिलर टू एक्सएलएम या बाकी और, नहीं नॉट सिमिलर टू एक्सएलएम बट बाकी और से कार्डेनो बीएनबी, यहाँ पे इसने लो बनाया है, ये स्लाइटली हायर लो, मतलब ये वापस वो सपोर्ट तक तो आया है पर मतलब थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इस अगर हम इस लोज को देखें ये उससे थोड़ा सा ऊपर, बट अगेन एज आई सेड अगर बिटकॉइन का सपोर्ट टूटेगा तो फिर ये सब फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट द मोमेंट दिस इज स्टिल बेरिश और ये तो मार्केट क्रैश के पहले से ही बेरिश था, तो इसमें लॉन्ग अवॉइड करो अब जब तक ये यू नो 1.3 वाला जो लेवल है वो कवर नहीं कर जाता, 1.3, 1.25 वाला, तब तक लॉन्ग अवॉइड करो। शॉर्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपकी मर्जी है मतलब आपको क्या करना है, तो दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट लॉन्ग अवॉइड करो, शॉर्ट इज ये मतलब आपका डिसीजन है। सपोर्ट इज एट 0.935, रेजिस्टेंस इज एट 1.12। सपोर्ट इज एट 0.935, रेजिस्टेंस एट 1.12। ओके, नेक्स्ट इज गज, उसकी लिंक भेज दो ना प्लीज। अरे इसको क्या हो गया, नितिन कैन यू सेंड द लिंक, वन सेकंड। मैंने सेव तो किया था, ये क्या हो गया 0.935। मतलब